दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऋषभ पंत के शतक और रविंद्र जडेजा के अर्धशतक के दम पर भारतीय टीम ने इंग्लैंड को पहले ही दिन मुकाबले से पीछे किया और शानदार बल्लेबाजी देखते हुए भारतीय दिग्गजों का आया ऐसा बयान जिसने सभी के होश उड़ा दिए। और आखिरकार भारतीय दिग्गजों ने ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की शानदार बल्लेबाजी पर क्या बयान दिया, ये तो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम की पारी को संभालने में ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा में से किस खिलाड़ी का सबसे ज्यादा योगदान रहा है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में भारतीय टीम पांचवा और सबसे ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबला खेलने के लिए उतरी और सीरीज को 3-1 से जीतने के लिए जब भारतीय टीम एजबेस्टन के मैदान पर गई तो सबसे पहले विरोधी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम की तरफ से किसी भी बल्लेबाज ने बेहतर शुरुआत नहीं दी, जिसमें शुभमन गिल 17 रन, चेतेश्वर पुजारा 13 रन बनाकर ओपनिंग जोड़ी को विफल करने में साबित हुए, तो वहीं हनुमा विहारी 20 रन और इसके अलावा श्रेयस अय्यर 15 रन और विराट कोहली ने मात्र 11 रन का योगदान दिया। लेकिन इसके बाद जब 98 रन के स्कोर पर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट आई तो रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत ने पारी को संभाला, जिसमें रविंद्र जडेजा ने अपना अर्धशतक लगा दिया तो वहीं ऋषभ पंत ने अपना शतक मात्र 89 गेंदों में पूरा किया और दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखा दी और भारतीय दिग्गजों को हैरान कर दिया, जिसके बाद उनका हैरान कर देने वाला बयान भी आया जिसमें कपिल देव ने कहा कि भारतीय टीम जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ बेकार शुरुआत कर रही थी उसको बेहतर बनाने का कार्य ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने कर दिया, जिसमें ऋषभ पंत ने सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखा दिया कि वो किस तरीके के बल्लेबाज हैं और किस तरीके से भारतीय टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं और विरोधी टीमों पर दबाव बनाने के लिए वो खराब गेंदों पर भरपूर फायदा उठाकर ताबड़तोड़ रन बटोर सकते हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस मुकाबले में दिखाया है कि वो भले ही तेज बल्लेबाज हों लेकिन टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी को डटकर खेलना होता है, लेकिन वो अपना अंदाज कभी नहीं बदलेंगे और इसे देखते हुए विरोधी टीम भी हैरान हो गई। तो वहीं सुनील गावस्कर ने कहा कि इस मुकाबले में ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी तो देखने को मिली ही है, साथ ही साथ रविंद्र जडेजा क्या बेहतरीन प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस मुकाबले में अगर रविंद्र जडेजा एक तरफ से पारी को संभाल कर नहीं रखते तो शायद ऋषभ पंत भारतीय टीम के लिए इतना बड़ा स्कोर अर्जित करने का मौका नहीं ले पाते और जिस तरीके से ऋषभ पंत के द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है उसका भरपूर साथ रविंद्र जडेजा ने दिया है और जब विरोधी टीम बल्लेबाजों पर दबाव बनाने लगती है तो रविंद्र जडेजा ने अपने ऊपर स्ट्राइक लेकर अनुभव का फायदा उठाकर मुकाबले में भारतीय टीम को आगे करने का कार्य किया है। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी के कारण भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम पर दबाव बनाया और इंग्लैंड की टीम के ऊपर ऋषभ पंत ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दबाव बनाया और दिखा दिया कि भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के ध्वस्त होने के बाद लोअर ऑर्डर बेहतरीन बल्लेबाजी करके भारतीय टीम की बल्लेबाजी को बेहतर बना सकता है और दिखा दिया कि भारतीय टीम के खिलाड़ी किसी भी गेंदबाज के सामने और किसी भी टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं और जब भारतीय टीम को किसी खिलाड़ी की आवश्यकता होती है तो वो खिलाड़ी भरोसे पर उतरकर बेहतरीन प्रदर्शन अवश्य करता है, जैसा कि जडेजा और पंत ने किया है। दोस्तों ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।